क्लास 10th में आज पढ़ेंगे हम 15.2। 15.2 प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन वृत्तखंड और तिर्यकखंड पे आधारित है। तो वृत्तखंड और तिर्यकखंड समझेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि चाप की लंबाई क्या होती है, तिर्यकखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है और ये सूत्र कैसे बने, ये समझने के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं बताता हूँ चाप की लंबाई की। चाप की लंबाई क्या होती है, इसका सूत्र 2πr θ/360 कैसे बना। जैसे मैं बनाता हूँ एक वृत्त कि ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये कहलाएगी परिधि। जो भी ये बाउंड्री होगी उसको बोलेंगे परिधि, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर मैं पूरी परिधि याद करूंगा पूरी, तो उसका सूत्र हो जाएगा 2πr। और वृत्त के केंद्र पे हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, ये बात हमें याद रखनी है कि वृत्त के केंद्र पर है हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो जब 2πr पर परिधि याद करते थे तो पूरा वृत्त लेते थे पूरा का पूरा, तो पूरे के पूरे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं लिखता था 360, अगर मैं लिखूं और नीचे भी कितने में से बनता था, 360 में से 360 बनेगा, तो 360 से 360 कट जाएंगे, तो सूत्र क्या बन जाता था 2πr। वो किसका सूत्र होता था, परिधि का। अब याद करेंगे चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई का मतलब होता है कि जैसे पूरी परिधि है उसमें से मेरे को पूरी परिधि का नहीं सिर्फ इतनी परिधि का याद करना है, सिर्फ ये जो नीचे दिख रही है, नीचे ये जो दिख रही है सिर्फ इस परिधि का याद करना है, इसका हमें कुछ भी याद नहीं करना, मतलब पूरी परिधि का सूत्र याद नहीं करना है। तो जो आधी परिधि होगी या आधी से भी कम होगी तो उसको बोलते हैं हम चाप, उसको बोलेंगे हम चाप। तो हम अगर यहां से यहां तक की चाप की लंबाई याद करेंगे तो ये परिधि भी आ गई, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कि यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसको बोल देंगे अपन थीटा। अब कितने का बन रहा है, लेकिन टोटल तो यार वैसे 360 डिग्री का कोण बन सकता है। अब 360 में से यहाँ पे कितने का बन गया तो पता नहीं है, तो यहाँ तो लिख दूंगा मैं थीटा और टोटल कितना होगा 360, क्योंकि 400 डिग्री का तो बन नहीं सकता, 360 से ऊपर नहीं बन सकता। तो चाप की लंबाई का सूत्र बन जाएगा 2πr θ/360। ऐसे ही मैं बताऊं आप लोगों को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो यही मैं वृत्त बना लेता हूं एक बार, कि जैसे मान लो मैंने बना लिया ये वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त के क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 कितने में से बनता है, 360 में से, तो पूरे का लेंगे तो 360/360 तो ये बन जाता था πr². अब त्रिज्यखंड क्या होता है कि छोटा सा टुकड़ा, जैसे मान लो ये केंद्र है, यहां से मेरे को सिर्फ इस टुकड़े का ज्ञात करना है कि बस मेरे को इस का क्षेत्रफल चाहिए, कि जो ये अंदर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे अंदर वाले का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल को πr² बोलते, त्रिज्यखंड मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, तो πr². अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 का बनेगा, 70 का बनेगा या 80 का बनेगा, क्योंकि पूरे में तो पता है पूरे में तो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, लेकिन अब इसमें इतने से कितने का बना है ये पता नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थीटा लगाऊंगा, नीचे क्या लगा दूंगा 360। तो ऐसे बना अपना त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र πr² θ/360। देखो चाप की लंबाई तो परिधि से रिलेटेड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पूरे क्षेत्रफल से रिलेटेड है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड है। एक त्रिज्यखंड का सूत्र और है 1/2 l × r। देखो r यानी तो त्रिज्या होती है, l यानी होती है चाप की लंबाई। अगर क्वेश्चन में हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या दे दे तो उसका आधा क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे हमें चाप की लंबाई दे दे 22 और त्रिज्या दे दे हमें 10, तो 22 को मैं 10 से गुणा करूंगा और इसका आधा कर दूंगा, तो 22 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 220 और 220 को मैं आधा करूंगा तो आ जाएंगे 110। तो 110 क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का, तो 110 क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें त्रिज्या क्वेश्चन में अगर त्रिज्या और चाप की लंबाई दे दे तो उन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr θ/360, मैंने समझा दिया कि कैसे बनेगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 ये भी बता चुका मैं,
एक और त्रिज्यगण का क्षेत्रफल होगा 1/2 एल इंटू आर। एल का मतलब होता है चाप की लंबाई, ये भी मैं बता चुका हूं। फिर बात आती है वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। ये वृत्तखंड क्या होता है, जैसे मान लो ये वृत्त और इसको मैं दो भागों में बांट दूं, जैसे मान लो इसको मैंने काट दिया और मैं बोल रहा हूं कि जो नीचे वाला ये वृत्त है, ये छोटा जो वृत्त दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल चाहिए सिर्फ मेरे को इतने इतने का, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। मतलब एक ही वृत्त को दो भागों में बांटना मतलब हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा उसमें से 1/2 आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या और साइन थीटा मतलब जो मान रहेगा उसको साइन थीटा, साथ में देखेंगे कि साइन थीटा का मान कितना है, वो अब अपने को जैसे अपन क्वेश्चन हल करेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। देखो चाप की लंबाई का सूत्र हो गया, त्रिज्यखंड का हो गया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र हो गया, ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अगर ये सारे सूत्र हमें पता है तो हम आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये है हमारा 15.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और थीटा का मान मतलब कोण दे रखा है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप किससे रिलेटेड होती है, परिधि से, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो पूरी परिधि का सूत्र होगा 2πr, तो चाप आधी या आधी या आधी से कम परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr में थीटा अपॉन 360 भी आ जाएगा। हमारी किताब में दे रखा है पाई आर थीटा अपॉन 180, वो ऐसे दे रखा है कि 2 के पाड़े से 360 को काट रखा है, अगर काटेंगे तो आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ये सूत्र भी सही है, ये सूत्र भी सही है, ये आसान रहेगा याद करने में क्योंकि सेकंड वाला भी थीटा अपॉन 360 है, ऊपर वाला भी थीटा अपॉन 360 है, ऐसे याद करने में आसान रहेगा। तो हम सूत्र लिख लेते हैं चाप की लंबाई का 2πr थीटा अपॉन 360। देखो सारे मान दे रखा है 2 के 2, पाई का मान क्या दे रखा है 22/7, आर कितना दे रखा है 7, त्रिज्या होगी वो आर होगा, थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, नीचे कितने लिखेंगे 360। देखो गणित का सिंपल सा नियम है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले में मान रखने आना चाहिए। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, फॉर्मूले में मान भी रख दिया। इसके बाद में फिर हमें बेसिक गणित आना चाहिए जो काटना पीटना आना चाहिए बस। तो देखो 60 को मैं 360 का भाड़ा मैं 360 बार बोलूंगा या तो 0 से 0 काट दो, 6 का भाड़ा इतनी बार बोलूंगी 36 से ज्यादा नहीं जाए, तो कितनी बार कटेगा 6 बार, ये 7 से क्या कट जाएंगे 7 बच जाएंगे, ऊपर कितने 22 और 2, अपन 2 के बाद इसे काट सकते 2 + 6 बच गए 3, ऊपर बच गए 22 नीचे बच गए 3, तो लिख दूंगा मैं 22/3, 3 का मान 22 में देंगे तो 3 × 7 = 21, फिर लगेगा पॉइंट क्योंकि 22 में से 21 आएगी तो बचेगा 1, 1 बचते पॉइंट लगते 0 लग जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 × 9 और 3 × 9 पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 ही बार भाग देंगे, ये आ जाएगा आंसर। किसका आ जाएगा, चाप की लंबाई का सेमी के अंदर, क्योंकि परिधि का आंसर किसमें आएगा सेमी में और क्षेत्रफल का किसमें आएगा सेमी स्क्वायर में। तो चाप की लंबाई बराबर 7.33। 15.2 का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसे का ऐसा ही है दूसरा क्वेश्चन, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आर भी दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में 10.5 और थीटा का मान दे रखा है हमें 45, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आर दे रखी है 10.5, थीटा का मान 45 दे रखा है, पाई का मान होता है 22/7, आसानी से निकाल सकते हो। मैं बताऊंगा आपको दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, पहला क्वेश्चन बता दिया, अब बताऊंगा मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं तीसरा, ये हमारा है 15.2 का तीसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में चाप की लंबाई 12 सेमी दे रखी है, चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी। हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु और दीर्घ सूत्र सेम लगेगा, ये कंफ्यूज करने के लिए लघु और दीर्घ, लेकिन मैं मतलब बता देता हूं, लघु मतलब छोटा वृत्तखंड और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। मतलब अगर मैं देखूं कि ये वृत्त है, ये हो गया त्रिज्यखंड, तो इसमें लघु क्या हो गया, जो ये छोटा सा, ये जो इधर वाला भाग है ये तो हो गया लघु, और जो आगे वाला बच गया, जो ये बच गया, ये हो गया दीर्घ, क्योंकि ये बड़ा भाग है ये छोटा है। वैसे सूत्र
एक ही लगेगा, लघु दीर्घ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सूत्र सेम है, लघु का भी सेम है और दीर्घ का भी सेम है। हमें देखो चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, मैं बता चुका हूं पहले, अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दे दे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो सूत्र कौन सा लगेगा, सेकंड वाला, क्योंकि एल एनयू होती है चाप की लंबाई दे रखी है, आर एनयू होती है त्रिज्या वो भी दे रखी है, और एक बटा दो है मतलब आधे कर लेंगे गुणा करके, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र लगाओगे तो हमारे पास थीटा का मान नहीं है तो हल नहीं कर सकते, तो हम कल हल करेंगे इस वाले सूत्र से। तो देखो सूत्र क्या है, एक बटा दो एल इंटू आर, एक बटा दो के एक बटा दो, एल मतलब चाप की लंबाई जो दे रखी है हमें 12, इंटू आर मतलब त्रिज्या जो दे रखी है 7, तो दो के पाड़े से मैं 12 को काटूंगा 6 बार, दो छिकी 12 और 6 और 7 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 42। क्या पूछा है हमें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आंसर किस में आएंगे, सेमी स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी थी, अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दे त्रिज्यखंड पूछे तो सूत्र लगाएंगे एक बटा दो इंटू एल इंटू आर, एल यानी है चाप की लंबाई, आर यानी है त्रिज्या, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब है हमारा आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तीन क्वेश्चन पूछा है हमें, एक तो पूछा है कि चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों के सूत्र हमारे पास है, मान हमें दे रखा है, आर भी दे रखा है 21 और थीटा का मान भी दे रखा है 60 डिग्री, आराम से सूत्र है मान है, मान को रखूंगा सूत्र में और निकालूंगा मैं आंसर। देखो सबसे पहले निकालते हैं चाप की लंबाई, सबसे पहले हम करेंगे पहले वाला क्वेश्चन, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, दो से अगर 360 काटेंगे तो सूत्र पाई आर थीटा अपॉन 180 भी हो सकता है, लेकिन ये भी सूत्र सही है और वो भी सूत्र सही है। तो देखो 2 के 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है हमें 21 इंटू थीटा कोण कितने का बना 60 डिग्री का अपॉन 360 डिग्री, ऐसा आराम से कोई भी कर सकता है। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के हमें सूत्र बताया है, सूत्र में हमें मान रख दिया, आर की जगह आर रख दिया, थीटा की जगह थीटा, और वैसे की वैसे मैं सूत्र लिख दिया। अब अपन काट देंगे, देखो 60 से अगर 360 को काटेंगे तो 6 बार कटेंगे, फिर काटूंगा मैं 7 के पाड़े से 3 को, 7 के पाड़े से 21 को, सॉरी 7 के पाड़े से 21 को काटूंगा 3 बार, 3 के पाड़े से 6 को काटूंगा 2 बार, और 2 से क्या बच जाएंगे 2, तो बच जाएंगे हमारे पास क्या, सिर्फ बच जाएंगे 22, तो 22 क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई किसमें आएगी, सेमी में, क्योंकि परिधि के आंसर में किसमें आते थे, सेमी में, तो चाप की लंबाई के आंसर में किसमें आएंगे, सेमी में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, चाप की लंबाई का सूत्र पता है, सूत्र में हम मान रखेंगे और आसानी से काट देंगे, काटने के बाद हमारे पास आ जाएंगे आंसर 22। पहला क्वेश्चन हो चुका हल, अब हल करेंगे हम दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला इसी का, चौथे क्वेश्चन का दूसरा वाला क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्र। अब निकालेंगे हम चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो चाप की लंबाई 22 आई थी वो मैं आंसर क्वेश्चन के जस्ट सामने लिख दिया। देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र हमारे पास, थीटा अपॉन 360 वाले से भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास चाप की लंबाई है और त्रिज्या है तो उससे भी निकाल सकते हैं। देखो चाप की लंबाई अभी अभी निकाली हमने 22, तो हम इस वाले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले से भी निकाल सकते हैं, आसान रहेगा इससे निकालेंगे, तो दोनों से निकालोगे आंसर सेम ही आएंगे, मैं इससे निकालना बता रहा हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ये सूत्र भी लगा सकते हैं, ये भी मैं नीचे वाला लगा रहा हूं, एक बटा दो इंटू एल इंटू आर, ये कब लगाते हैं, जब हमारे पास चाप की लंबाई नहीं होती, चाप की लंबाई अभी अभी निकाली है तो इस क्वेश्चन से भी, इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। देखो एक बटा दो के एक बटा दो, एल कितनी है हमारे पास 22 इंटू आर कितनी दे रखी है 21,
क्या करेंगे? काटेंगे। अगर मैं 2 के बड़े से 22 को काटूंगा तो कितनी बार कटेंगे? 11 बार। और फिर मैं 11 को किससे गुणा करूंगा? 21 से। यहां 21 से तो 11 एकम 11, आसन की एक, हमारे पास एक लिख दिया, आसन की बच गई एक। 11 दो 22 और एक हो जाएंगे 23, तो आंसर आ जाएंगे 231। 231 क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसमें आएगा? हमेशा सेमी स्क्वायर में। चाप की लंबाई सिर्फ किसमें आएगी? सेमी में। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा चौथे का दूसरा। अगर आप ये सूत्र भी लगाओगे तो आंसर सेम आएंगे करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे अब चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, वर्तखंड का क्षेत्र। अब हमारे क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र मैं लिख चुका हूं सामने, यहां से लिख पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 किसका सूत्र होता है? त्रिज्यखंड का। और अभी अभी हमने त्रिज्यखंड के आंसर निकाले थे, कितने आए थे? 231। तो सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे तो 231 आएगा, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम पाई का मान रखेंगे, पाई का मान आएगा 22/7। आर कितना दे रखा है? 21। तो 21 इंटू 21 इंटू टीटा का मान क्या है? 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? वो 21। तो 21 इंटू 21 इंटू साइन टीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो 60 में अगर हम मैं सारणी में देखे हम सातवीं प्रश्नावली में जो हमारे सारणी है, सॉरी छठी प्रश्नावली में जो सारणी है, तो 60 में देखेंगे अगर हम साइन का मान, तो साइन में 60 का मान होगा √3/2। अगर हम सारणी में साइन 60 का मान देखेंगे तो साइन 60 का मान होगा √3/2 जो हमारी छठी प्रश्नावली के अंदर है सारणी। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये तो पहले से हल कर रखे हैं, मगर मैं हल करूं तो 7 * 21 वही 6 बार, 6 को इससे गुणा करेंगे 2 बार, 2 को इससे काटेंगे तो 11 बार, 11 को 21 से गुणा करूंगा तो वही आएंगे 231। अब हल करेंगे इसको, देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएंगे, क्योंकि 21 का वर्ग होगा 441 और नीचे 2 और 2 है मतलब नीचे हो जाएंगे 4। और √3 का मान, √3 का मान क्या होता है? 1.732। तो इसको हल करेंगे अपन, तो देखो 231 इधर आके 441 में लिख लूंगा हल करके, इधर 2 × 2 यहां लिख लेंगे 4, अब यहां बच जाएंगे इनटू में लिख लूंगा मैं 1.732। फिर देखो फिर आगे करते हैं इसको, आगे मैं यहां कर लेता हूं, जगह नहीं है तो यहां कर लूंगा। तो आगे करेंगे देखो 231 के 231 तो यहां रहेंगे माइनस 4 एकम 4, फिर 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार, 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो लग जाएगी भाग टूटी 0, फिर लग जाएगी पॉइंट, फिर हो जाएंगे यहां पे 10, 10 होते ही 4 × 2 = 8, 2 बचेंगे 4 × 5 = 20 आ जाएंगे यहां पे 110.25। और यहां हमारे पास क्या है? 1.732। तो 110.25 को मैं गुणा करूंगा 1.732 से, तो ये है 231 माइनस, अगर 110.25 को मैं गुणा करूं 1.732 से तो करूं तो आएंगे 190.96। आप गुणा करके देख सकते हो 190.96 आएंगे। तो अगर 231 में 190.96 जाएंगे तो बचेंगे 40.06। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, जहां क्षेत्रफल आ जाता है उसके स्क्वायर, उसके सॉरी उसके आंसर आते हैं सेमी स्क्वायर में, जहां भी क्षेत्रफल आ जाता है उसके आंसर आएंगे सेमी स्क्वायर में। देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन था, अगर आप गुणा भाग अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आराम से कर सकते हो। अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ही पता था 231 था, ये मैं करूंगा 60 का मान सारणी में देखेंगे तो आएगा √3/2, √3 का मान होता है 1.732, ये हल करके ये लाके इन दोनों को गुणा करके और 231 में से ये घटाएंगे तो बचेंगे 40.06। चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो 4 तक के क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। अगर ये चारों क्वेश्चन किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो है, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो जाएगा ज्यादा लंबा। पांचवे क्वेश्चन से जो भी आखिरी वाला इसका क्वेश्चन होगा, 10-11 क्वेश्चन है शायद, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा।